और आज ऑलराउंडर के किचन में हम बना रहे हैं क्रीमी पेपर चिकन बॉक्स पैटी, विच इज वेरी डिलीशियस एंड वेरी इजी टू मेक. सो लेट्स गो मेक इट. फिलिंग में हम यूज कर रहे हैं बटर, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड गार्लिक, बेल पेपर्स, एलोपिनोस, चीज, क्रीम, मिल्क एंड बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन. ये ऑलरेडी मैंने इसको बॉयल और श्रेड करके रख लिया हुआ है. इजी टू गेट स्पाइसेस, हम चिली फ्लेक्स यूज करें हैं, हम सॉल्ट यूज करें हैं, हम ब्लैक पेपर यूज करें और चिकन पाउडर यूज करें. इट्स नॉट मच टाइम टेकिंग और सबको बहुत पसंद भी आएगी. सबसे पहले वी विल स्टार्ट बाय एडिंग बटर. यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स बटर लिया है बिकॉज माय चिकन इज 300 ग्राम्स. अनियंस ऐड करेंगे और अब हम अपने अनियंस को बटर के साथ सौते करेंगे. वी विल वेट फॉर इट टू टर्न गोल्डन ब्राउन. अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून. गार्लिक के साथ हम इसको 1 to 2 मिनट्स कुक करेंगे. गार्लिक कुक हो गया है. नाउ वी विल ऐड आवर फ्लावर इन इट. 2 टेबलस्पून्स ऐड कर सकते हैं और हम इसको भी कुक करेंगे जस्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स, ताकि जो हमारा मैदा है ना वो कच्चा ना रहे. नाउ वी विल ऐड आवर चिकन. 300 ग्राम्स में चिकन है. चिकन को आप 30 सेकेंड्स कुक करेंगे, सिर्फ दूध ऐड करेंगे. दूध के साथ ही मैं इसमें क्रीम ऐड करी हूँ. क्रीम भी आप हाफ कप यूज़ कर लें. इसके साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, कैप्सिकम, और हम एलोपिनोस ऐड कर रहे हैं. ऑलमोस्ट कुकिंग स्टेजेस पे है. सो नाउ आई विल ऐड स्पाइसेस. पेपर फ्लेक्स ऐड करूँगी, 1 teaspoon ऑफ चिली पाउडर. चिकन पाउडर भी इसमें जो है वो 1.5 टीस्पून जाएगा. ब्लैक पेपर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon. इसको थोड़ा सा मैंने ना कुकिंग टाइम दिया है ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं. और अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे. मैं यहाँ पे हाफ कप यूज़ कर रही हूँ. और अब हम चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट होने का टाइम देंगे ताकि वो बाकी हमारे मिक्सचर के साथ असेंबल हो जाए. फिलिंग हमारी तैयार है, तो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग इट. हम इसको लेकर फिल करके, तो जो हमने सबसे पहले जो नीचे वाली पट्टी प्लेस की थी हम उसको बंद करेंगे. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लावर और वाटर का मिक्सचर तैयार किया हुआ है, इससे हम इसको बंद करेंगे. और उसके बाद जो है हम ऊपर वाली को बंद कर देंगे. इस तरह से ये हमारा बहुत नीट बॉक्स तैयार हो जाएगा और इसी तरह से हम अपने सारे बॉक्स रेडी कर लेंगे. मैंने अंडे भी ऑलरेडी निकाल लिए हैं बाउल में. आप अपने बॉक्स पेटीज की क्वांटिटी के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपने इसको एक दफ़ा अंडे में डिप करना है, साथ ही आपने इस पर क्रम कोटिंग कर देनी है. इसके बाद मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ और ऐसे ही हम अपनी सारी बॉक्स पेटीज को कोट कर लेंगे. पहले अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स. आप अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको 2 महीने तक भी फ्रीज कर सकते हैं. जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं मैं प्लेट में टिश्यूज लगा लूँ. दिस इज ऑल राउंडर किचन के टिश्यूज, वेरी वेरी सॉफ्ट एंड रिलायबल. ये जो नॉर्मल टिश्यू से 3 गुना ज्यादा ऑयल एब्जॉर्बमेंट पावर रखते हैं. हमारी जो ऑयल की जितनी भी कैलोरीज हैं वो ऑलरेडी मेरी बॉक्स पैटीज की ये अब्जॉर्ब कर लेंगे. बॉक्स पैटीज फ्राई हो चुके हैं, का बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है एंड दे आर लाइक वेरी क्रिस्पी. आप इसको देख भी सकते हैं, ये देखें इसने सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है. ऑल राउंडर के किचन से आज के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऑल राउंडर को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे. थैंक यू सो मच.